नारियल पानी पियोगी? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया है कि पुरुषोत्तम जी को सत्तार वगैरह से जान का खतरा है, इसलिए उनके प्रोग्राम के बारे में किसी को भी नहीं बताया जाता, यहाँ तक कि मुझे भी। ये लो आगे। पुरुषोत्तम जी। अरे भवानी, तुम? हम यहाँ 3 घंटे से आपका इंतजार कर रही हैं। क्यों, क्या हुआ? वो हमारे यहाँ एक अंधी लड़की रहती थी,
गोपी, उसे कुछ गुंडे उठाकर ले गए और पुलिस हमारी शिकायत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मंगल, तुम इन लोगों को गाड़ी में बिठाओ, मैं होम मिनिस्टर को फोन करके आता हूँ। जी जाओ, आइए प्लीज। तो अब किस तरह करें? मैं एक ऐसी तरकीब बताता हूँ कि इस मुसीबत से भी मुनाफा होगा। ध्यान से सुनो। ठीक है पुरुषोत्तम जी, समझ गया। हाँ ठीक है, जैसे ही गोपी का आता पता चले मुझे फौरन इत्तला करो। और सुनो, सत्तार के हर अड्डे पर कड़ी निगरानी रखो, समझे? अब कुछ नहीं हो सकता जोरावर, अब कुछ नहीं हो सकता। पर मैं पूछता हूं कि भवानी के कहने पर तुमने फौरन एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए सर, मैंने अपनी तरफ। हेलो, ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। सत्तार अगर पाताल में भी हो तो उसे ढूंढकर लाओ। आई वॉन्ट हिम। इडियट। सर देखिए। हाँ कौन है? अच्छा अच्छा, कौन है जोरावर? हाँ हम अभी वहां पहुंच रहे हैं। और सुनो, सत्तार के चौकीदार को ये वार्न कर दो कि वो सत्तार को कुछ बताए नहीं, हम अभी आ रहे हैं। सर, सत्तार की नई बिल्डिंग आशाना से फोन था, सत्तार गोपी को लेकर वहां पहुंच गया है। तो चलो लेट्स गो। पुरुषोत्तम जी थे, बहुत भले आदमी। नहीं, वो खूनी है। वो चेहरा हम कभी नहीं भूल सकती, ना वो चेहरा ना वो मनोज रात। भवानी के बापू, हम कहती हैं हमें भी साथ ले चलिए। देखो, फोन करने वाले ने कहा था कि सीमेंट घोटाले की फाइल लेने अकेले आइएगा। तुम्हारी जिद पर मैं तुम्हें यहाँ तक ले आया, आगे नहीं ले जाऊंगा। हम पूछते हैं आपको जरूरत क्या इन पचड़ों में पढ़ने की? ये सब छापते हैं इसलिए विज्ञापन तो मिलते नहीं, जान से मार डालने की धमकियां मिलती रहती है। मैं धमकियों से नहीं डरता। वीर गणेश दत्त जी, सीमन घोटाले की फाइल। धन्यवाद। सुनिए, जरा ध्यान से रहिएगा, बड़ी जानलेवा चीज है आपके हाथ में।
अच्छा नमस्कार। उसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, वो मेरा सब कुछ उजाड़ देगा। उसके पास मत जाना बेटी, उसके पास मत जाना, वो तुझे भी मार देगा, वो तुझे भी मार देगा।